जिंदगी में गलतियां सभी से होती हैं, पर कुछ गलतियां जिंदगियां ही बदल देती हैं। ऐसी ही एक गलती मुझसे हुई, जिसने ना सिर्फ मेरे दोस्त की जान ली, बल्कि हम सबको जिंदगी भर इस अफसोस के साथ जीने को छोड़ गई। इस गलती ने मुझे जीना सिखाया, इस गलती ने मुझे बेहतर इंसान बनाया। मेरी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सवाल है, ये एक जरिया है, फिर किसी सार्थक को अपनी जिंदगी ना गंवानी पड़े। हम सबका कॉलेज का पहला दिन, मुझे इंतजार था सार्थक का, मेरा दोस्त, मेरा रूममेट सार्थक। राहुल नाटिया, सार्थक सिटी। भाई तूने तो सारा सामान अनपैक कर दिया यार। हाँ यार, सुबह ही आ गया था यार मैं। और फिर हंसी मजाक और एक्साइटमेंट के साथ कॉलेज में पढ़ाई की एक अच्छी शुरुआत हुई। वक्त के साथ साथ मेरी और सार्थक की ज़िंदगी में दोस्ती के नए नए रंग भरते गए। खेलना हो, हंसना हो, लड़ना हो, मस्ती हो, हम हमेशा साथ होते। कॉलेज का वो दिन जब मैंने पहली बार मलिका से बात की। तू कुछ लड़के देखे उस क्लास की, बात मत करिए कभी किसी से। भाई यार सही टाइम आएगा तो यार बात करूँगा यार। कब आएगा सही टाइम? अभी हिम्मत नहीं हो रही यार। भाई सही टाइम आ गया, देख वो जा रही अकेली। जा बात कर उससे, जाके जा जा भाई, जा क्यों नहीं रहा है, जा। I wanted to tell you that my name is Rahul, Rahul Nautiyal. Yes, I know. मेरे क्लास में पिछले एक महीने से पढ़ रहा। Yes, मैं वही बता रहा था एक बार ना। तो yes, okay. तो कहाँ जा रहे हो? मैं तो इसी से थोड़ा पढ़ रहा हूँ। Okay. Listen, तुम्हारे ना बिना हील वाले शूज ना और अच्छे, मतलब तुम गिरोगे नहीं, ना अच्छे हैं। ये बिना हील वाले शूज हैं, और दूसरी बात गिरे तुम थे तो शायद तुम्हें अपना ध्यान रखना था। जाओ भाई, मेरे हाथ छुओ भाई, इसमें करो भाई, हाथ छुओ भाई। मेरा दोस्त सार्थक अभिमन्यु को पसंद करने लगा था, क्योंकि शायद भगवान ने उसे वैसा ही बनाया, होमोसेक्सुअल, जो ये समाज समझ ना सका। क्या भाई, इसे क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, मैं बस जस्ट अकाउंट चेक कर रहा था यार। पता है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं सेमेस्टर का इस बार। नहीं यार तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा ना। तूने सब पढ़ लिया? हाँ यार, मेरा पढ़ाई में ही तो मन लगता है। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं यार, इसकी कॉलेज बस छूट गई है, मैं सोच रहा हूँ घर कैसे जाएगी। अरे यार चल, तू मेरी बाइक लेगा फिर छोड़ दे। फिर तू कैसे जाएगा? कोई नहीं, मैनेज कर लूँगा। थैंक्स यार। अब तू घर कैसे जाएगा? मैं मैनेज कर लूँगा, कोई नहीं। ओके
यार ये तो क्या लिखता रहता है यार डायरी में यार, बड़े टाइम हो गया यार, फ्री टाइम तो मिलता नहीं यार, असाइनमेंट असाइनमेंट अब मार मेरा सुना। अरे यार क्या बताऊं यार, मुझे वो तनिषा बहुत शांति के बारे में सुना है ना, क्या आप तो फिर डायरी में लग गया, क्या लिखते रहता है यार दिन में, क्या छोड़ना है मेरी पर्सनल डायरी, दिखा दो जरा क्या लिख रहा है सर, छोड़ना है किसी की पर्सनल डायरी नहीं देखते, चल चल मेरे को बहुत बहुत भूख लगी यार, चल खाना खाने चलते हैं, चल 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 जी बिग बिग अभी हमारी क्लास के ही रंजा भाई, क्या ये दोनों कितने क्यूट लगते हैं साथ, हम मुझे देख लिया, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा तो मैंने नोटिस बोर्ड पे रखे नोटिस लगा दिया, एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है, दूसरे नंबर पे संपर्क कर ले कोई लड़की। हां गुड आईडिया, हम लोग ऑडिट आई टू ऑडिशन में रखते हैं, और मैनेजमेंट जाऊंगा, इतने बुरे दिन नहीं आए लड़की होगी, चल चल ये तो कहां चल दिया निशान, तू बता तुझे पहले से नहीं है, मैं दूरी से ही हूं रखे हूं, कौन झेले इतने टेंशन, क्या बात है मुझे कहा तू बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है इसमें, ऐसा कुछ नहीं बहुत अच्छा लगता है, अरे तू बोले तो बात करूँ क्या उससे, नहीं बाबा मुझे एग्जैक्टली जाना डेट, हाय स्केट्स कर रहा हूँ और जिसे मैं पसंद करता था वो मेरे दोस्त सार्थक को पसंद करने लगे। सार्थक हाय, वो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तुम चलोगे साथ में? जरूरी है क्या असाइनमेंट करना? हेलो श्रेया, हाय यार, वो मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं आ पाऊंगी, असाइनमेंट करना है बहुत बड़ा है, तुम लोग जाओ मूवी देखने, ठीक है? नहीं ऐसी बात नहीं है यार, प्लीज चलो बाय, ठीक है मैं घर जा रही हूँ, ओके बाय। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों, क्या हो गया राहुल तुझे? कुछ नहीं है बस। और मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, अपने ही दोस्त पर शक किया और उसे पूरी क्लास के आगे बदनाम कर दिया।
अच्छा तो इस बारे में भाई यार निकल जा भाई तेरा सवाल नहीं जा रहा है नीचे बैठ जा 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 आज हमारे साथ हैं मिस्टर राहुल नौटियाल सर मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन ग्रैंड सक्सेस ऑफ योर बुक द इमेंसिपेशन कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको वेल पहले तो थैंक यू सो मच मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये बुक लिखूंगा पर सिचुएशंस ऐसी आई कह सकते हैं कि मैं इस जगह पहुंच गया एंड मेरी दोस्ती ने इंस्पायर किया मुझे कोशिश करना चाहते हैं आप इस एनजीओ के जरिए कोशिश उन लोगों के लिए है जो आम लोगों की तरह नहीं है जो भीड़ में अलग से हैं जिनको अपने अलग होने की सजा मिलती है जो लोगों का जुल्म नहीं सह पाते और जीना ही छोड़ देते हैं तो आप उन लोगों की किस तरह से मदद करते हैं हम उन लोगों की जिंदगी की कमी पूरी करते हैं वो जिस समाज में रहते हैं हम उस समाज को उनको एक्सेप्ट करने की सोच देते हैं उनको समझते हैं उनको समझाते हैं कि ये लोग अलग हैं गलत नहीं थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल आपसे बात करके ऐसा लगा कि अभी भी उम्मीद है जो कि इस रूढ़िवादी सोच को बदल सकती है थैंक यू हमें जरूरत है कुछ ऐसे ही लोगों की जो कि अपनी नई सोच और अपने नए नजरिए से इस समाज को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं ऐसा ही कुछ इनकी बुक द इमेंसिपेशन ने इस समाज को एक नई सोच और एक नई प्रेरणा देकर किया है